वेलकम टू खुशी नू व्लॉग। एक्चुअली गाइस हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम बनारस आए हैं। और पहली बार बनारस आए और सबसे अच्छी बात है कि आज का जो गुड मॉर्निंग हम लोग कर रहे हैं बनारस। तो गाइस आप सोच रहे होंगे हम लोग क्यों हंस रहे हैं, तो कुछ कारण है। एक्चुअली श्रुति ना अभी एक मतलब जहाँ पे लोग बैठते हैं ना चाय मतलब गिरा दिया, गिरा के भाग गए वहाँ से, इसीलिए हम लोग हंसे। क्या उसे कपड़ा भी रख दिया उसने उसको जो भी बैठा, जो यहाँ पे रिसेप्शन वाला एरिया था ना वहाँ पे सोफा वोफा लगा हुआ था, तो वहाँ मेरे से चाय गिर गया गलती से, तो उसको कपड़ा से ढक के हम लोग दोनों भाग गए वहाँ से। इसीलिए हम लोग बैठेगा अब हम लोग पूरा गाली दे कौन गंदा करके गया, तो सॉरी बोलते हैं। तो गाइस फिलहाल हम लोग चाय में चाय पी लेती हूँ। हम लोग सारे लोग पी लिए चाय, बस भाभी का बचा हुआ है। आहाना का देखो कितना ये गाइस, हम लोग 4:30 बजे यहाँ पहुँचे थे। उस टाइम से लड़की खुद भी नहीं सोई और ना हमको सोने दी है। उस टाइम से गाड़ी में भी नहीं सोने दी और अभी तक हम लोग जगे हुए हैं। बहुत सताने की बात, पता नहीं आज का क्या क्या हम लोग कर पाए। पहली बार आए यहाँ का जगह भी कुछ भी नहीं पता है। और सबसे बड़ा चीज क्या, हम लोग का एक ड्रीम था ये कि एक बार बनारस आना था। मेरा तो खैर बहुत दिन से ड्रीम था। आरती, मेरी तो शाम की आरती देखने का शौक था। गंगा किनारे जो आरती होता है वो बनारस का, वाओ, वो कैप्चर करके आपको जरूर आपको दर्शन कराएंगे। तो गाइज ओवरऑल आज हमारे ब्लॉग में बहुत सारा चीज होने वाला है, बहुत फन, बहुत मस्ती होने वाली है। फिलहाल अभी हम लोग नहा के रेडी होने वाले हैं और निकलने वाले हैं पूजा करने के लिए। तो आज हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखते जाइए हम लोग क्या क्या सतानी करते हैं। शुरुआत हो गया, मौसम दिखाओ यहाँ का, देखो। हाँ अभी दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ रुके हैं। तो गाइज ये है हमारी लोकेलिटी जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और यहाँ का बेस्ट चीज़ है ये कि यहाँ पे पार्किंग की काफ़ी सुविधा है। वहाँ पे सामने मेन गेट है जिससे गली है, ये अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा पार्किंग का व्यवस्था है जो यहाँ पे बहुत कम जगह पे मिलता है। और ये एक छोटा सा होटल है। तो गाइज अभी हम लोग सुबह के 7:30 बजे चाय पीने के बाद थोड़ा बनारस की गलियों का मजा लेने के लिए निकले हैं। देखिए ये तो एडिट करके थक गए थे तो ये थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग तीनों ही है बस। सॉरी वो छोटा प्राणी भी है। 3:30 है हम लोग और हम लोग 3:30 लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने। हम लोग आ गए वॉक करके, बहुत मजा आया। बहुत ही क्लीन रास्ता था ना श्रुति? हाँ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब प्योर एनवायरनमेंट लग रहा था यहाँ पे, एकदम फ्रेश प्योर। खैर बनारस है तो प्योरिटी तो इसके कन कन में रहेगी ही, और दिखा भी, हाँ फील भी हुआ, ये फील हुआ। तो फिलहाल गाइस अभी चलते हैं, रेडी होते हैं और आपसे मिलते हैं रेडी होने के बाद। गाइस अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग पहले जाएंगे घाट, गंगा घाट, हाँ फिर जाएंगे वहाँ पे नहा धो के फिर हम लोग काशी विश्वनाथ जो है कॉरिडोर टेम्पल उसकी तरफ बढ़ेंगे। अश्वमेध घाट के पास हम लोग जा रहे हैं अभी गाइज। अभी सभी को उतर गया टोटो से, यहाँ से पैदल जाना है। तो फिलहाल अभी हम लोग सब निकल गए और जाते हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ रहा है, पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पहुँचते हैं गाइज। बनारस की गलियों में आपका स्वागत है गाइज। तो बहुत अद्भुत नज़ारों के लिए तैयार हो जाए। अभी आगे आपको दिखाएंगे बनारस की गली और दशाश्वमेध घाट, काफ़ी कुछ यहाँ पे दिखाने को है। तो बस वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। फाइनली पहुंच गए हैं गंगा घाट और क्या भव्य दृश्य है, आपको मैं दिखाता हूं। कैमरा में जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं गाइस कितना ही भव्य है ये। Thank you.
तो गाइस फिलहाल हम लोग ये नाव बुक कर लिए हैं और इसी से हम लोग जा रहे हैं वो वाली घाट पे, वहाँ पे पानी साफ रहता है तो वहीं पे हम लोग स्नान वगैरह करेंगे और फिर यही नाव हमें मंदिर तक पहुँचाएगा नदी के रास्ते। तो बहुत और पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया है मुझे। तो फिलहाल अभी चलते हैं और सभी कोई बहुत एक्साइटेड है, देख सकते हैं सभी कोई बैठ गए हैं। तो फिलहाल आगे हम लोग निकलते हैं। तो गाइस फाइनली ये दूसरे वाले घाट पे हम लोग पहुंच गए हैं, बोट से उतर गए हैं, अभी पानी में ही हैं, बोट पे से उतर गए हैं गाइस। और अब हम लोग जा रहे हैं उधर, कपड़े वगैरह चेंज करके नहाएंगे, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा भी आपको दिखाते हैं गाइस। यहाँ ऊँट वगैरह सारा कुछ है और ये डेजर्ट वाला फीलिंग आ रहा है, ये देखिए गाइस ऊँट। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है ये। तो गाइज अभी भाभी और श्रुति और अयांश दोनों जा रहे हैं ऊंट का सवारी करने के लिए, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, जा रहे हैं ऊंट की सवारी करने के लिए, चलो, और बहुत डर लग रहा है, चलो। तो इन लोग का हालत खराब है गाइज, देख सकते हैं ऊँट की सवारी कर रहे हैं और ऊँट इतना ज्यादा हिल रहा है कि इन लोग का हालत खराब है, चिल्ला चिल्ला के हालत खराब हो चुका है इन दोनों का। तो गाइस फिलहाल हो गया है ऊँट की सवारी इन लोगों का और अभी हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, स्नान करते हैं फटाफट से फिर चलेंगे हम लोग पूजा करने के लिए। तो गाइस मुझे तो पहले बहुत डर लगा ऊँट पे बैठने में, जब जैसे ही ऊँट ऐसे उठा ना मैं तो बहुत चिल्लाई, बहुत डर लगा। और गाइस ये इसने जो चिल्लाने की इसका चिल्लाहट जो मेरा एकदम लगा बीपी हाई हो गया एकदम, अब मेरा लगा तो दिल धक धक धक, क्या होगा कहीं गिर ना जाए, लेकिन बहुत मजा, बहुत 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 मजा आया, लाइफ का एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा ऊँट का सवारी करना, बहुत बहुत मजा आया। वगैरह में देखती थी लेकिन आज वो फील किए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भगवान सारा विश हम लोग का पूरा करने के लिए, थैंक यू। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल चाय पीने के लिए, पहले चाय पी लेते हैं फिर स्नान करेंगे और फिर पूजा करेंगे, तो चलिए।
हमारे हिंदू सनातन धर्म में लोग ये मानते हैं और ये बहुत सच्ची और पवित्र मान्यता है कि अगर आप गंगा स्नान करके और गंगा मैया को दिया दिखाते हो तो आपकी आत्मा को शांति मिलती है, आपका सोल तृप्त हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है। तो गाइस ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है मणिकर्णिका घाट, देख सकते हैं गाइस क्या भव्य दृश्य है यहाँ पे, ये मणिकर्णिका घाट। तो गाइस फिलहाल हम लोग स्नान स्नान करके रेडी हो गए, तैयार हो गए अच्छे से और अभी जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है तो अभी हम लोग को कैमरा वगैरह सब जमा करना होगा, इसलिए अंदर का कोई फुटेज नहीं ले पाएंगे। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं कैमरा को जमा करके, अंदर जाते हैं पूजा करते हैं, पूजा करके निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी एक पुलिस वाले भैया से हमने बात किया, पुलिस वाले भैया ने बोला कि अंदर आप कैमरा ले जा सकते हैं, फुटेज वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जब मंदिर के अंदर मेन प्रांगण के अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसको ले जा रहे हैं अंदर, वहाँ आपको सारा फुटेज दिखाते हैं, फिर इसको वही जमा कर देंगे और फिर अंदर चले जाएंगे पूजा करके। चलिए हमारे साथ। गाइस देखिए यह है मंदिर के अंदर का ये नज़ारा, कितना सुंदर और कितना साफ वगैरह है, ये कितना साफ सुथरा है, ये वाओ अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत क्लीन, मतलब इतना अच्छा कि मन तृप्त हो गया आकर यहाँ पर, क्या है ना, बहुत बहुत सुंदर है। पवित्र स्थल पे आए हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है अभी, तो इतना ही मैं खुश हो चुकी हूँ। आगे क्या क्या देखेंगे, आगे मेन प्रांगण तो अब अंदर हम लोग जाने वाले हैं, तो चलते हैं अंदर। तो गाइस बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है ये, बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, सबसे बड़ी बात है बहुत क्लीन है, बहुत सिस्टमैटिक है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, मतलब लोग को पता है कहाँ पे जाना है, किस तरीके से जाना है, एवरीथिंग सबको अच्छे से पता है, ये सबसे खास बात है, कोई भगदड़ वगैरह कुछ नहीं पता चल रहा है। हो सकता है आज भीड़ ना हो, बट अभी तक जो मैं देख रहा हूँ उससे मुझे ये लग रहा है कि भगदड़ नहीं है, बहुत ही सिस्टमैटिक है, और वैसे जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा बेटर समझा सकते हैं। महादेव की नगरी में हम लोग पधार चुके हैं, हर हर महादेव। अंदर जाने का मार्ग, मतलब मंदिर के अंदर जाने का मार्ग है, और जगह जगह पे ये लोग पोस्टर भी लगा के रखे हैं ताकि लोगों को रास्ता पता चल सके कि मंदिर जाने का मार्ग कौन सा है, वे टू टेम्पल कौन सा है। यहाँ लाइन लगा हुआ है और चेकिंग हो रहा है, प्रॉपर सिक्योरिटी चेकअप है यहाँ पे हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा सिक्योरिटी है यहाँ पे, अच्छे से चेकअप किया जा रहा है लोगों का कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा हो, और तब सारे सिक्योरिटी चेकअप के बाद ही लोग अंदर जा सकते हैं मंदिर के अंदर, तो ये बहुत अच्छा था। तो गाइस फाइनली सिक्योरिटी चेकअप के बाद हम लोग आगे निकल गए हैं और ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ, तो फिलहाल हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, श्रुति लोग भी पीछे से आ रही है, लेडीज लोग का लाइन अलग हो गया था, और अभी हमारे भैया हैं साथ में, हम लोग जा रहे हैं और जहाँ तक कैमरा अलाउड है आपको सारा फुटेज दिखा रहे हैं, जहाँ से कैमरा अलाउड नहीं रहेगा फिर वहाँ से कैमरा बंद हो जाएगा हमारा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, इसके आगे का ब्लॉगिंग, इसके आगे का क्लिप के लिए आपको एक दिन और वेट करना पड़ेगा, क्या आगे का क्लिप आएगा कल, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।